नमस्कार, आप जुड़ चुके वैली एक्सप्रेस न्यूज के साथ और मैं हूँ संदीप मिश्रा। जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ी गतिविधि सामने आई है और कल जिस तरह से पीडीपी के पूर्व मंत्री ने श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता की, जहाँ पे उन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च की जिसका नाम रखा उन्होंने अपनी पार्टी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल काफी तेज हो गई है। लेकिन कांग्रेस ने इस पे साफ तौर पर निशाना साधा और ये कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की ही एक बी टीम तैयार होकर आई है। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी, उनसे बात करूंगा कि किस तरह से देखते हैं। सर, कल काफ़ी ज़्यादा हलचल रही श्रीनगर में, नई पार्टी उभर के सामने आई है, अपनी पार्टी, क्या रही? देखिए, इसका जो नाम जिस तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी नाम दिया, तो जो पब्लिक ओपिनियन लोगों से जो अभी तक इकट्ठा हुआ है वो ये है कि ये अपनी पार्टी नहीं है, ये उनकी पार्टी है। जहाँ से वो तैयार करके जो रोड मैप उन्होंने बनाया वो यहाँ लाया, ठीक है। राजनीति के अंदर एक नहीं, दस दस पार्टियाँ होती हैं एक स्टेट के अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं है। पार्टी तो बना सकते हैं वो, लेकिन क्या इस पार्टी को खुलेआम वहाँ पे जिस तरीके से इन्होंने अपनी पार्टी वहाँ पे बनाई और जो लोग भीड़ इकट्ठा करके वहाँ पे जमा हुए और बाकी जितने भी लोग आज जेलों के अंदर हैं, चाहे वो महबूबा मुफ्ती जी हैं, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हैं, चाहे कांग्रेस के अध्यक्ष जी ए मीर साहब जो अभी जम्मू में हैं, वो बिल्कुल उनकी मूवमेंट नहीं कराई जाती और उन्होंने अपना कोर्ट से भी रुजू किया हुआ है, वो भी अभी इसी तरह पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं, जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रही थी लोगों के हित में, और उनको बंद रखने का मकसद क्या यही था कि इस पॉलिटिकल पार्टी को तैयार करना था और उनको बंद रखना था? क्यों? कि उनकी आवाज़ जो है वो लोगों तक ना पहुँचे। और उनके जो अभी 5 अगस्त जब से 370 जो है ख़त्म किया गया और उसके जो लोग पोल्स थे, जो बात करनी थी लोगों के बीच में जाके, वो उनको इसलिए बंद रखा गया कि ये वाली कड़ी जो थी ये पक रही थी अंदर अंदर से और इसको तैयार किया गया। तो इसमें दो राय भी नहीं है, बिल्कुल ये सही बात है कि दिल्ली जब पीछे भाजपा की सरकार थी और उस सरकार के अंदर भी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पीडीपी नाम से एक पार्टी यहाँ पे बनाई थी और वो भी इसी तरीके से तैयार करके, क्योंकि वो भी एक कांग्रेस का एक ग्रुप निकल के, क्योंकि वो कांग्रेस में पूरी उम्र ने दी थी और उनको तैयार करके यहाँ पे पीडीपी तैयार की गई। और उसी पीडीपी को आज फिर डिमोलिश करके एक नई जो अपनी पार्टी उनकी पार्टी जो तैयार हुई, वो उसकी एक कड़ी आज फिर दोबारा तैयार हुई। तो ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा क्या ये पार्टी जो है, जिसमें जो लोग चाहे वो कांग्रेस से गए, चाहे वो पीडीपी के लोग कट के गए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से कट के गए या वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने ज्वाइन किया, क्या लोग उनको स्वीकार करते हैं, ये आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। और उस चीज़ का इंतज़ार हमें भी रहेगा और हम तो उम्मीद करते हैं कि आज जो ये होली का शुभ दिन है, ये मुझे लगता आने वाला कल अच्छा होगा और लोगों के हित में जो भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आई है या जो इससे पहले वहाँ पे हैं, लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कौन आदमी कहाँ से निकल के आया और किस तरीके से तैयार करके लोगों के बीच में डाला गया। और पुराने जो लोग हैं जो पिछले 70 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको जब बाहर आए के मौका मिलेगा तो एक अच्छा भविष्य होगा जम्मू कश्मीर का और जम्मू कश्मीर के हित के लिए बात की जाएगी जैसे करते आए। लेकिन सर, जिस तरह से बात करें अपनी पार्टी की, तो उसमें ज़्यादातर जो मेंबर है वो हैं पीडीपी के, तो जिस तरह से उन्होंने पीडीपी छोड़ के अपनी पार्टी बनाई, तो आपको लगता है कि जो अपनी पार्टी के नहीं हुए वो जनता के होंगे? देखिए, मेरी बात का आपने खुद ही जवाब दे दिया कि जो पार्टी से वफा नहीं कर पाया तो वो कहाँ लोगों से वफा कर पाएगा। ये तो आपने जो सवाल किया उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया। तो मैं यही कहूँगा कि उनको भगवान वाहिगुरु अल्लाह तौफीक बख्शे कि वो कायम दायम रहे और अब इसी पार्टी में रहें, क्योंकि उनका बाहर आने से उनके और ज़्यादा जो खदशात हैं लोगों के बीच में बढ़ेंगे। बात करूँगा कांग्रेस की, कांग्रेस को भी बड़े झटके लगे हैं जिस तरह से सांबा डिस्ट्रिक्ट की बात करी है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट ने इस्तीफा सौंपा के अध्यक्ष को, उससे क्या लगता है आपको कि जब कांग्रेस में थे और आज अपनी पार्टी में गए, अचानक से विचारधारा जो है वो किस तरह से बदल जाती है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हमारे मैक्सिमम लोग जो पार्टी छोड़ के बाहर गए हैं, एक आधे को छोड़ के, बाकी जितने लोग हैं वो या तो इंडिपेंडेंटली हमारे साथ ज्वाइन किया था जब पिछले सप्ताह में आए थे हम लोग जब पावर में थे, या पार्टियाँ छोड़ के हमारी पार्टी में आए थे जिस तरह अभी इस पार्टी में गए हुए हैं।
तो हमें अफसोस भी नहीं है, क्योंकि उनका जो उनकी जो विचारधारा है वो यही है कि कुछ हमारे नेता थे जो पीडीपी में थे, फिर भाजपा में थे, या बीएसपी में थे, या नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी में थे, तो वहाँ से आके हमारे साथ आए, हमारे से फिर वापस चले गए। तो मुझे यहाँ जो कांग्रेसी कैडर है, जो पिछले 30 साल से 40 साल से जो कांग्रेस के अंदर लोग हैं, वो उनकी नज़रों में यह है कि भाई हम लोगों में से कोई आदमी वहाँ ऐसा नहीं गया कि जो बॉर्न कांग्रेसी हो एक आधे को छोड़ के। लेकिन सर, जिस तरह से जो कांग्रेस के जो सदस्य थे, जिस तरह से उन्होंने कारण बताया छोड़ने का, कि उन्होंने कहा कि जम्मू के हित की बात नहीं हो रही थी, इस वजह से हमने पार्टी यहाँ छोड़ दी। अब आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। वो उन्होंने पार्टी बनाई है जम्मू के हित की या कश्मीर के हित की बात, जो राजनीतिक नेता होते हैं उनका काम यही होता है कि वो दोनों, पहले तो हमारे पास 3 खित्ते थे, अब यूटी बन चुकी है, और हमेशा मैं कभी नहीं कहूँगा एज नेता बन के कि मैं अपने एरिए की बात नहीं करूँगा, मैं कश्मीर की बात नहीं करूँगा और मैं जम्मू की बात नहीं करूँगा। हमारा अवलीन फ़र्ज यही बनता है कि हम अपने पूरे रीजन को, अपने पूरी जो पहले स्टेट थी या यूटी है, इसको मद्देनज़र रख के काम करना होता है, और काम करने के लिए हमारी आवाज़ होती है पार्टी के अंदर भी होती है, विधानसभा के अंदर भी होती है। तो कितने नेता ऐसे हैं जिन्होंने विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाई कि भाई जम्मू के साथ अन्याय हो रहा है या कश्मीर के साथ हो रहा है, वो लोगों के सामने है और लोग इसको बखूबी अच्छी तरीके से जानते हैं। सर, बात करूंगा जिस तरह से कल भी उन्होंने पत्रकार वार्ता की, और कई बार कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं कि यहाँ परिवारवाद की राजनीति होती है, यहाँ इंडिविजुअली लोगों की बात नहीं करते, उस चीज़ को लेकर के आप क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर मैं बात करूंगा, जो हमारी पार्टी है यहाँ पे परिवारवाद तो है नहीं यहाँ पे। तीसरी बात, जो अभी की पार्टी चाहे कि उमर अब्दुल्ला पे निशाना साधे, कांग्रेस पे साधे या अपना पीडीपी पे साधे, तो अभी भी जो पार्टी बनी है उसमें भी अगर आप अच्छे तरीके से उसमें काउंट करोगे तो उसमें भी रिश्तेदारियाँ हैं, और रिश्तेदारियों को मद्देनज़र रख के वो तो हम उसको परिवारवाद एक नाम नहीं दोगे आप क्या। तो बात यह है कि हम चाहते हैं कि अगर लोग उन पर भरोसा करते हैं, वो चुन के आए हैं, कल लोगों के हित में काम करते हैं, तो वो लोगों के नज़र में होगा और लोग ही उन पर भरोसा करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन का समय नहीं है। जब इलेक्शन आता है उसका जवाब जो है वो लोग अपने अपने एरियाज में जाके बखूब देंगे। आखिरी सवाल करूँगा सर, होली का पावन त्यौहार है आज, और क्या क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? देखिए, मैं पूरी दुनिया के साथ साथ अपने मुल्क के लोगों को और बिलखसूस जम्मू कश्मीर की आवाम को इस होली के शुभ अवसर पर मुबारकबाद देता हूँ, और यही उम्मीद करते हैं कि ये होली जो है ये हमारी हमारे मुल्क के लिए और हम खासकर जम्मू कश्मीर के लिए एक अच्छी होली बन के आए, और आने वाला कल जो भविष्य हो हमारा, वो हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी अभी है वो फूले फले, और ये उम्मीद करेंगे कि ये मुड़ ये रियासत बने और जो कुछ लवाजमत हमारे जो अपने हकूक़ हैं वो कायम दायम रहे। और मैं होले मेले की भी मुबारकबाद देता हूँ खासकर सिख कम्युनिटी को भी, क्योंकि हमारा भी एक अवसर त्यौहार होता है इसमें जो होला मेला मनाया जाता है, तो मेरी तरफ से तमाम बरादरी भाईचारे को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बात करते हुए कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चन्नी जी, जिन्होंने हमारे कई सवालों का भी जवाब दिया और होली के पावन त्यौहार पर जनता को भी संदेश दिया कि आपस में भाईचारा ऐसे ही बनाए रखें। आप लोग देखते रहिए वैली एक्सप्रेस न्यूज़। नमस्कार।